वैशाली के सराय स्टेशन के पास निर्माणाधीन फुट ओवर ब्रिज से स्लिप कर दो मजदूर नीचे गिर गए, जिनमें एक मजदूर को आंशिक चोट आई थी, वहीं दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज हाजीपुर के गणपति नर्सिंग होम में चल रहा है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि बगैर किसी सेफ्टी बेल्ट के मजदूर काम कर रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। घायल मजदूर में रंजीत कुमार और मुन्ना कुमार बताए गए हैं, दोनों बेतिया जिले के रहने वाले हैं। इस विषय में चश्मदीद ओम प्रकाश ने बताया कि जो काम चल रहा था उसी में वह नीचे गिर गया, जहां नीचे ईंट वगैरह था उस पर गिरने से चोट लगी है। सेफ्टी बेल्ट वगैरह नहीं लगा हुआ था, थोड़ी सी गलती हुई है। वो क्रेन के कारण कुछ फॉल्ट हुई वहाँ पर, जिस कारण लड़का लगभग 8 फुट से छलांग मारा। छलांग मारने के बाद में नीचे में ईटा ऊँटा था, जिससे सर पर चोट आ गई। अभी वो भर्ती है, सीटी स्कैन हुआ है, सीटी स्कैन की रिपोर्ट आ रहा है, उसके बाद पता चलेगा क्या है। कितने लोग घायल हुए? 80 मर। एक ही आदमी घायल हुआ? एक आदमी के मौत की सूचना है, गलत बात है। अच्छा, ये जो घायल हुए कहाँ के रहने वाले? ये बेतिया तरफ का साथी, बेतिया घर में। ये सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगा हुआ था? सेफ्टी बेल्ट आप लोग काम करते तो मांग नहीं करते? वहीं पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार ने मामले की जांच का आदेश दिया है और कहा कि निश्चित तौर से देखा जाएगा कि कहां चूक हुई है, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। हम लोग एहतियात बरतते हैं, सभी तरह के प्रिकॉशन लेते हैं। सर, सवाल वाली क्या घटना घटी है? सुने कि एक की मौत हो गई। नहीं, ये सरासर गलत न्यूज है। और अभी वहाँ पे हमारा जो ब्लॉक लिया गया था सराय में, और हम लोगों ने वहाँ पे जो डाला है उसमें दो मजदूर स्लिप कर गए थे, जिसमें से एक को मामूली सा चोट आया था, जिसके फर्स्ट एड दे के हम लोगों ने वो ठीक हो गया है, और दूसरे को थोड़ी चोट आई थी जिसको अस्पताल लेके जिसका इलाज चल रहा है। निजी नर्सिंग होम से चल रहा है। जी जी। क्या हुआ था, क्या मामला आप क्या सर है सामने? उसमें सिंपल सा था, जब वो उसको लगाया जा रहा था, जब वर्क कंप्लीट हो गए थे तो वो स्लिप कर गए थे दो लेबर, जिसमें से कि वो मिट्टी पे स्लिप किए थे, तो एक को मामूली चोट आया था और एक को थोड़ी सी चोट आई थी जिसके कारण वो अस्पताल में भर्ती है। क्या सर रेलवे इस मामले में की जांच वगैरह भी कुछ करेगी या अब तक सब कुछ कर चुका है? नहीं, डेफिनेटली उसमें देखा जाए कहाँ चूक हुई है, जिसके कारण हम लोग एहतियात बरतते हैं अपने वर्क साइट्स पे, सभी तरह के प्रिकॉशंस लेते हैं, ताकि हम कॉन्ट्रैक्टर्स का बाध्य होता है सभी प्रकार के कॉशंस लेने के लिए, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो पाए। घटना का जो सीसीटीवी वीडियो आया है उसे साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से दोनों मजदूर नीचे गिर रहे हैं, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। अब देखने वाली बात होगी कि वीडियो के आधार पर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर की ओर से क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि मामला पूरी तरह लापरवाही का नजर आ रहा है।